माउंट कर्मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आपको अब तक संभाला है और विश्वास करते हैं आगे भी संभालेगा। आइए इस कार्यक्रम में अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं। सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो तूने हमारे जीवन में दिया, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमारे को नया बनाती है और प्रभु तूने आज दिन भर हमें संभाला, जय के उत्सव में लेके चला और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे जीवन के द्वारा फैलाता है। उन सब बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावंद। इस डेलीब्रेट कार्यक्रम के लिए इसमें प्रभु हम जब आपका स्तुति गान करते हैं और भजन गाते प्रभु और वचन को सुनते और सीखते हैं और प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा हम तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा हमारे लिए कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और कुछ गीतों को प्रभु के दास पास्टर एनोस और उनकी टीम के द्वारा सुनेंगे। और जब हम सुनते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ अपने अपने घरों में आराधना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद। आइए मिलके उसके नाम को महिमा चढ़ाएं। प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता, ताली बजा के। यीशु में आशीष रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। यीशु में आशीष रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से प्रभु की सामर्थ से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन बस करेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन बस करेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से जीवन साथी और मेरे बच्चों पे रहेगी उसकी दया से। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर,
मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरा जीवन उसका ही मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा शिक्षित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा शिक्षित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु आराधना हो तेरी। यस फादर वी वर्शिप यू। आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी। पूरे दिल से मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से।
पाए, हम तेरी आराधना कर पाए, ऐसा हमें बल दे। हर एक परिस्थितियों में हम तुझे आराधना चढ़ा पाए ऐसी शक्ति दे प्रभु। हमसे बोल और बातचीत कर। आइए प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, अपने आप को तैयार करें कि वो वचन हमसे बोले और बातचीत करे, वो जीवित कलाम हमारे जीवन में काम करे। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं एक बार और हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं, मेरा हृदय आनंद से भरा हुआ है कि आज 23 मार्च है और आज ही के दिन 2020 में डेली ब्रेड कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। लगभग 365 दिन यानी साल भर हो गया, आज यूँ समझ लीजिए डेली ब्रेड कार्यक्रम का आज पहला जन्मदिन है। और वो इस एक साल में हमने अपनी पूरी कोशिश की, हमने अपना पूरा प्रयास किया कि आपको हम अपने जीवन का और परमेश्वर के वचन का बेस्ट दे सकें, बेस्ट आराधना दे सकें और बेस्ट सब कुछ आपके लिए कर सकें। आशा करते हैं इन 365 एपिसोड्स में आपने जरूर आशीष पाई होगी। मेरे अजीजों, अगर आपने आशीष पाई है, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने घर में खड़े होकर दो मिनट एक मिनट का वीडियो बनाकर हमें भेजें। हमें अच्छा लगेगा, हम उत्साहित होंगे और हो सकता है हम इसे आगे कंटिन्यू रखें। उसी से हमें अंदाज लगेगा कि आप इस कार्यक्रम में कितना आशीष पाएं, अन्यथा हम सोचते हैं कि इसको अब 365 दिन हो चुके हैं, इसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर अपने एक एक मिनट के वीडियो बनाकर आप हमें भेजें। हमारे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब के चैनल के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आप हमें अपना फीडबैक दें। मैं विश्वास करता हूं आपने ज़रूर आशीष पाई होगी। और एक साल तक जिन लोगों ने बराबर एपिसोड को देखे हैं, शेयर किया है, लाइक किया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम आपके बीच में रोज आते रहे, आपने रोज हमें सुना। और यूं समझिए, मैं ऐसा कहूं कि आप हमें सहते रहे। मेरे अजीजों, आज 365 दिन पूरे हो गए, 23 मार्च से शुरू हुआ था, 23 मार्च आज है और मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अपने प्रार्थनाओं में हमें उठा के रखा, अपने आर्थिक सहयोग भी हमें भेजते रहे और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि आप हमें इसी प्रकार से अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखेंगे और आर्थिक सहयोग भी देते रहेंगे। तो इन सब बातों के लिए सारी महिमा और आदर और गौरव हम प्रभु को ही देते हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, इस खास मौके पर कम से कम आज के दिन इस एपिसोड को देखने के बाद, जब आपको मालूम पड़ा है कि आज इस एपिसोड को 365 दिन हो गए, तो ज़रूर 20-25 लोगों को शेयर करें, लाइक करें, दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। जितने सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे, हमारा उत्साह और बढ़ता चला जाएगा। और तमाम जो मेरी टीम है, पास्टर एनोश, आराधना में और इस डेली ब्रेड कार्यक्रम के पीछे बहुत सारे लोगों ने प्रतिदिन मेहनत किया है। बहुत से लोग बाइबल पढ़ने में मदद करते हैं, है ना, और बहुत से लोग इसको शूट करते हैं, उसके बाद इसको बहुत अच्छी रीति से आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो मेरी पीछे जो टीम है, मैं उस टीम को भी आज बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बखूबी अच्छी रीति से समय समय पर मेरा साथ दिया। इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को आगे आप तक पहुंचाने में उनका, वो मेरे लिए एक बैकबोन है। और अगर हम सब यहाँ होते और अगर आप हमको नहीं देख रहे होते,
तो वो सब कुछ व्यर्थ था। तो मैं अपनी टीम से भी ज़्यादा धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमें देखते रहे, इसलिए हमारा हियाव बढ़ता गया और हम एक साल पूरा कर पाए। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आगे अब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। तो आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय में चल रहे हैं और हम इस समय पढ़ेंगे 18 अध्याय के 12 पद से 14 पद तक। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में हैं तो एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कोई भी भेड़ के विषय में कहा है और लूका के 15वें अध्याय में भी इसको हम पाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे, यहाँ लिखा है, क्या तुम समझते हो यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हों और उनमें से एक भटक जाए। मेरे प्रिय लोगों, तो यहाँ पर हम दो चीज़ों को देखेंगे विशेष तौर से। एक तो देख रहे हैं हम भेड़ को और दूसरा भेड़ का जो स्वामी है, जो चरवाहा है, उसको देख रहे हैं। दो चरित्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक तो भेड़ का चरित्र और दूसरा भेड़ों का जो चरवाहा है उसका चरित्र। तो मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं भेड़ के लिए। भेड़ को समझना और उसके स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। विशेष तौर से हम जो राजस्थान में रहते हैं लोग और मध्य प्रदेश में और अन्य जो क्षेत्र हैं जहां भेड़ों का पालन ज़्यादा होता है, वो लोग उसके स्वभाव को जानते भी हैं कि भेड़ जो है वो, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में भी बोल देते हैं कभी कभी, क्या भेड़ चाल चल रहे हो। भेड़ चाल चल रहे हो इसका मतलब यह है कि भेड़ का एक स्वभाव होता है कि एक भेड़ को जो कुछ वो करते हुए देखती है दूसरी भेड़ उसी के पीछे हो लेती है। ऐसा भी मैंने देखा है कि अगर रेलवे लाइन की ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं और मान लीजिए एक भेड़ ने क्रॉस करना शुरू किया तो 25 हो, 50 हो, 100 हो, सबने क्रॉस करना है, भले वो ट्रेन भी निकल रही हो और ट्रेन से कट जाए वो उनको मंजूर है, लेकिन भेड़ चाल ऐसा ही कहते हैं। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर जब हम भेड़ की बात कर रहे हैं तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के 10वें अध्याय में भेड़ों के चरवाहे होने का दावा किया है और हम देखते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि आज हम इन दोनों चरित्रों को देखने की कोशिश करेंगे और हो सका तो हम भेड़ के चरित्र को पर ज़्यादा विचार करेंगे और चरवाहे के चरित्र पर शायद अगर प्रभु ने मौका दिया तो कल करेंगे। चलिए पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। आगे, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। देखिए यहाँ पर भेड़ की एक खूबी नजर आई है, भेड़ अपने स्वामी की आवाज पहचानती है। क्या लिखा है? भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। कभी कभी जब आप अपने चरवाहे की आवाज नहीं सुनते या उस चरवाहे की इच्छा नहीं समझते और जो उस चरवाहे का स्वभाव नहीं समझते और चरवाहे के प्यार को नहीं समझते, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप भेड़ की क्वालिटी में हो ही नहीं। क्योंकि भेड़ की क्वालिटी है कि वो
अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। और आगे लिखा है वो पराई की आवाज पराई के पीछे नहीं जाती, बड़ी गंगा भेड़ों के नाम लेकर बुलाता और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। क्योंकि वे उस चरवाहे का शब्द पहचानती हैं। चरवाहे के शब्द को पहचानना ये भेड़ की सबसे बड़ी खूबी है। चरवाहे के पीछे पीछे चलना ये भेड़ की खूबी है। कई लोग बोलते हैं पाल साहब हम आपकी भेड़े हैं, हम तो भटक गए थे। भाई तुम पराए की आवाज सुनकर उसके पीछे हो लिए तो तुम भेड़ थे ही नहीं। अगर तुम भेड़ होते तो बाइबल बोलती है, आगे लिखा हुआ है, परंतु वे पराए के पीछे नहीं जाएंगी। ये पराए के पीछे नहीं जाएंगी, दूसरे चरवाहे के पास कभी नहीं जाएंगी अगर वो भेड़ है तो। और ऐसी भेड़ों को ढूंढने जाना पादरी का कर्तव्य होता है। लेकिन जो भेड़ का स्वभाव ही नहीं रखती है, अपने चरवाहे की बात नहीं सुनती है, अपने चरवाहे को अपना चरवाहा नहीं मानती है, उसके पीछे पीछे नहीं चलती है। कई विश्वासियों का प्रॉब्लम है, पादरी की अगाड़ी चलते वो लोग 100 कदम आगे चलते हैं। विश्वासी जीवन में, विश्वासी मंडली जीवन के अंदर, मंडली के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने चरवाहे को बोलते हैं पीछे चलो हम आगे चलेंगे। उनका दिमाग भी आगे चलता है, फिर वो बोलते हैं हम भेड़े हैं। भैया भेड़ की क्वालिटी सुन लो आज। भेड़ का स्वभाव होता है वो पराए के पीछे नहीं जाती, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे वो कुछ भी हो जाए, मैं आपसे शोक बोलना चाह रहा हूं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, भेड़ अपने स्वामी, अपने चरवाहे को पहचानती है और उसकी आवाज को पहचानती है। मेरे अजीजों, जब 12 चेले पानी के ऊपर नाव में जा रहे थे, सामने से उन्होंने किसी आकृति को आते हुए देखा, और जब किसी आकृति को आते हुए देखा तो उन्होंने कहा यह भूत है। लेकिन यीशु ने जैसे ही कहा डरो मत मैं हूं, 11 चेलों ने आवाज नहीं पहचानी, पर पतरस ने आवाज पहचान ली। और पतरस ने आवाज पहचानते कहा गुरु अगर आप ही हैं तो आप जो कर रहे हैं वो मैं भी करना चाहता हूं। यीशु ने कहा आ, पतरस ने सुना और अपना उसी समय अपना एक डिसीजन लिया और कदम पानी के ऊपर रख दिया, क्योंकि उसे पता था जो सामने है वो मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूं, मैंने उसकी आवाज को सुन लिया है, मैंने उसकी आवाज को पहचान लिया है। क्या आप पतरस के समान हैं? आपका चरवाहा भी आपको बोलता है आओ बैठ के बात करेंगे, मिल के बात करेंगे, पर आपके पास आपके चरवाहे के से मिलने के लिए समय नहीं है। मेरे अजीजों, यहां पर परंतु वे पराए के पीछे नहीं जाती। जो पराए अपने अगुवे को छोड़कर पराए के पीछे चला जाए वो भेड़ कहां रहा फिर? उसमें तो बकरी का स्वभाव है। भेड़ का स्वभाव अगर किसी में है तो वो पराए के पीछे जाती ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। परंतु उससे भागेगी मतलब पराए चरवाहों से दूर रहेगी, दूरी डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये नहीं, हम भेड़ का स्वभाव को समझ ही नहीं पाए। चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। पराए का शब्द वो पहचानती नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है उससे, कुछ भी बोलते रहो आप। लेकिन हमारा तो बड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर भेड़ नहीं है हम। चलिए आगे बढ़िए।
यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। यीशु मसीह बहुत सारी बातें बोलता था और लोग समझते ही नहीं थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो समझते नहीं है। फिर क्या हुआ? तब यीशु ने उनसे फिर कहा दोबारा समझाने की कोशिश किया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, और परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आगे, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। आगे, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आगे, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। आगे, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। और भेड़िये का काम होता है, आज बहुत सारे, आप अगर अपने चरवाहे के पास नहीं है, ध्यान से सुन लेना, अगर आप यीशु मसीह के को अपना अच्छा चरवाहा मानते हैं और आपको जिस चरवाहे की नियुक्त प्रभु ने नियुक्त किया है उस चरवाहे के पास आपको रखा है, उस बाड़े में आपको रखा है, उस कलीसिया में आपको रखा है, और आप उसके प्रति वफादार नहीं हैं, तो पहली बात आप भेड़ नहीं हैं। क्योंकि भेड़ का स्वभाव होता है कि वो पराए के पीछे जाती नहीं, पराए के शब्द सुनती नहीं, पराए की बात समझती नहीं है, वो अपने चरवाहे की बात समझती है। ठीक है, अब बाई चांस कोई भेड़ को कोई उठा के ले जाए, भटक जाए का मतलब है उठा के ले जाए, तो फिर चरवाहे का रोल शुरू होता है। ठीक है, अपन अभी उस पर बात नहीं करेंगे, अपन कभी केवल भेड़ के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा है? वह इसलिए भाग जाता है क्योंकि मजदूर है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको अपनी जान प्यारी है, और कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं, उसको भेड़ों से कोई लेना देना नहीं है। आगे, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यीशु कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़े मुझे जानती हैं, और मेरी भेड़े भी मुझे जानती हैं, मेरे को छोड़ के कहीं जाती नहीं है, और जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला में अभी आई नहीं है, मतलब कलीसिया में आई नहीं है, मंडली में आई नहीं है, बाड़े में आई नहीं है, मुझे उनको भी लाना है। बहुत सारी भेड़े हैं, जो भेड़े तो यीशु मसीह की हैं लेकिन भटक रही हैं, बिना चरवाहे के भटक रही हैं, तितर बितर हो रखी हैं, और बहुत सारी बातें हैं। वे मेरा शब्द सुनेंगी तब एक ही झुंड होगा, एक ही चरवाह होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। हाँ, मैं अपना प्राण उन भेड़ों के लिए देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई मुझसे छीनता नहीं है। आगे, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण, चलो अब मैं आपको एक दो आयत और बताता हूँ, इसी में 25 पद से पढ़िए, इसी का 10:25। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। यीशु मसीह कह रहा है मेरे काम मेरे गवाह हैं। आगे, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। समझ गया ना, भेड़ों में से है नहीं। अगर बाइबल में लिखा है कि अगर वो हम में के होते तो हम में रहते, पर वो हम में से निकल इसलिए गए कि वो हमारे थे नहीं। समझ में आ रही बात? यीशु कहता है यदि तुम मेरी भेड़ होते तो मेरी बात सुनते। आगे, मेरा शब्द सुनती, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं। वे मेरे पीछे चलती हैं
और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। भेड़ों को यीशु मसीह क्या देता है? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। किसको देता है? भेड़ों को। भेड़ों को, बकरियों को नहीं। अगर आप मत्ती का 25वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां भेड़ों को और बकरियों को परमेश्वर का मेमना जो है वो अलग अलग कर रहा है। समझ में आ रही बात? 25 का 31 पढ़ दे जरा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, आगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, आगे और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। जब शाम होती है, भेड़ों और बकरियों का अलग होना बहुत जरूरी है। वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा, और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, दाहिने हाथ पे कौन है? दाहिने हाथ पे कौन है? हमने ऊपर पढ़ा, भेड़ों को वो अपने दाहिने हाथ पर खड़ा करेगा और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। अब आपको दाएं और बाएं का भेद समझ में आया ना? दाहिने हाथ पर कौन है? भेड़े। बाएं हाथ पर कौन है? बकरियां। चलिए आगे पढ़िए। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, आज उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत की, अब देखिए क्या है, मैंने आपको बताया कि वो भेड़ों को अनंत जीवन देता है। यह इस आयत को समझाने के लिए मैंने ये आयत आपको पढ़ाई कि वो अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता है। अनंत जीवन का दूसरा जो नाम है वो स्वर्ग है। यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में था, यीशु मसीह ने कहा, मुझे उन भेड़ों पर तरस आता है जो तित्तर बित्तर हुई हुई हैं, जिनका कोई चरवाहा नहीं है, जो चरवाहे के पास नहीं है, जो भेड़ियों के पास फंस गए, जिन जो केवल मध्य प्रदेश की सेवा करते हैं। मध्य प्रदेश का मतलब पेट के पुजारी हैं, समय आने पर आपका साथ नहीं देकर के भाग जाएंगे आपको छोड़ करके। परंतु अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है और वो चरवा है यीशु मसीह। जिस कलीसिया और जिस पासबान का अधीनता में प्रभु ने आपको रहने के लिए बोला है, आप उसमें बने रहें, तब आप एक अच्छी भेड़ होंगे। क्योंकि भेड़ की क्वालिटी होती है वो दूसरे चरवाहे की आवाज़ सुनती नहीं है, और आप लोग तो जल्दी से सुन लेते हो, जल्दी से उसकी कानाफूसी में आ जाते हो, जल्दी से उसके बहकावे में और उसके भुलावे में आ जाते हो, तो फिर आप भेड़ का हो। भेड़ का स्वभाव है, जन्म से स्वभाव है भेड़ का, अंदर से स्वभाव है, इनबिल्ट है। कुछ भी हो जाए, मेरा चरवाहा मेरा है, मैं पराये के पीछे नहीं जाने वाली। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह को तरस आता है ऐसे भेड़ों पर जो तितर बितर हो गई है, और वो कहता है मुझे अभी उनको भी बटोर करके वापस भेड़शाला में लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता है। ये बात के ऊपर मैंने ये वाली आयत आपको समझाई कि वो भेड़ों को क्या दे रहा है? अनंत जीवन दे रहा है। बोल रहा है मेरे पिता ने तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करी है, उसमें चले जाओ। और बोल रहा है मेरे पिता के धन्य लोगों। अब बाईं ओर वालों के लिए 41 पद पढ़िए। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। देखिए भेड़ों को उसने अनंत जीवन दिया, बकरियों को बकरियों के लिए आदेश, भेड़ों का स्वभाव रखने वाली विश्वासियों को उसने अलग कर लिया, जिन्होंने अपने चरवाहे की आवाज सुनी, कभी भी चरवाहे के अगाड़ी नहीं चले, चरवाहे का हमेशा मान सम्मान किया, पराई की आवाज नहीं सुनी, ये स्वभाव रखने वालों को उसने अलग किया, क्योंकि वो भेड़े थी और भेड़ों के लिए उसने अनंत जीवन रखा। बकरियों को उसने अलग किया जिन्होंने कभी अपने पादरी की नहीं सुनी, हमेशा पादरी की अगाड़ी चले,
पादरी के पीछे नहीं परंतु परायों के पीछे भागते रहे, यहां भागे कभी वहां भागे, कभी वहां भागे, कभी पादरी बदलना उनकी जैसे स्वभाव हो गया, कलीसिया बदलना उनका उनके लिए पानी पीने के समान हो गया। कोई कारण नहीं है तब भी अकारण बैर करके या कलीसिया पे आरोप और प्रत्यारोपण करके, पादरी पे अत्यारोपण करके अपने बकरी होने का प्रमाणित कर दिया। और अब बकरियों का जो स्वभाव है उसके उसको प्रभु ने अलग किया और बाईं ओर वालों को उसने कहा मेरे उस अनंत आग में चले जाओ, चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान कौन है? भ्रमित करने वाला, कानाफूसी करने वाला, आपके विवेक को गंदा करने वाला, आपको आपसे अनज्ञाकारिता करवाने वाला। ये शैतान पहले स्वर्ग में ही था पर स्वर्ग में भी उसने कुरापात की और परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाने की सोची, गुटबंदी करी, स्वर्ग में भी गुटबंदी करी, इसलिए तो धरती पे गिराया गया। अब परमेश्वर ने उसके लिए, उसके फॉलोअर्स के लिए और जो उसके इस धरती पर रहकर उसकी कानाभूसी सुनते रहे, भटकते रहे, बकरियों का स्वभाव रखा, मैं करते रहे, कभी अपने चरवाही की नहीं सुनी, ऐसे स्वभाव रखने वालों के लिए भी किसने तैयार किया है वो जगह? वो भी जगह परमेश्वर ने ही तैयार की है, लेकिन वो किसके लिए की है? भेड़ों के लिए नहीं की है, जो हमेशा अपने चरवाहे के पीछे चले, यीशु मसीह को अपना सच्चा चरवाहा माना और चरवाहे की जो परमेश्वर ने उनको चरवाहे दिए थे उनकी बात सुनी, उनकी आवाज़ सुनी, उनके पीछे चले, उनके साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उनके साथ कभी उनके आदर सम्मान में किसी प्रकार की कोई बात जो है मतलब वो नहीं, ऐसा कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं करी, ऐसे लोगों को तो अनंत जीवन मिला। और बकरी का स्वभाव रखने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, भेंटी मारने वाले और इस प्रकार के स्वभाव रखने वालों के लिए शैतान और शैतान के दूतों के लिए और बकरियां शैतान के दूतों के फॉलोअर हो गए, यूँ समझ लीजिए। शैतान के लिए, उसके दूतों के लिए और बकरी का स्वभाव रखने वालों के लिए यानी शैतान की आवाज़ सुनने वालों के लिए उसने एक जगह तैयार की है और वो है अनंत काल की आग याने नरक। एक शब्द में अगर मैं उसे बोलूं तो नरक। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो दो डेस्टिनेशन है मनुष्य की, मंजिल जिसको बोलते हैं, एक है स्वर्ग, एक है नरक। दो ही स्टेशन है जहां आपका आखिरी गंतव्य स्थान हो सकता है। पहला है स्वर्ग जो परमेश्वर ने तैयार किया है, दूसरा है नरक, वो भी परमेश्वर ने शैतान के लिए और उसके फॉलोवर्स के लिए तैयार किया है। शैतान का फॉलोवर कौन है मालूम है? जो इस वचन की नहीं सुनता, बस वो शैतान का फॉलोवर है, जो अनाज्ञाकारिता करता है, खुदा के कलाम को तोड़ता है, आज्ञाओं को तोड़ता है, नहीं मानता है वो और उसके चहेते शैतान, सब शैतान के चहेते सारे अनंत काल की आग में धकेल दिए जाएंगे, जहां आग बुझती नहीं है, पानी मिलता नहीं है, कीड़ा मरता नहीं है, बहुत बुरी हालत है। मैं आपको बताना चाहता हूं नरक भयानक जगह है, आप उससे बचने के लिए अपने अंदर भेड़ों का सा स्वभाव उत्पन्न कर लें। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, पढ़िए बाइबल आपको समझ में आ जाएगा। आशा मैंने आपको भेड़ों के बारे में बताया, अब मैं वापस वहीं उसी आयत में आपको लाना चाहता हूँ, मती के 18वें अध्याय को फिर से आप उस आयत को पढ़ें। इतनी सारी बातें आपको बताई मैंने वो इसलिए कि आप समझ जाएं अच्छी तरह। पढ़िए मती 18 और उसका 13 पद पढ़े। और यदि ऐसा हो
कि उसे पाए। अब देखिए वो जो भेड़ खो गई है उसको पाने के लिए जो उसका चरवा है वो मेहनत करता है और जो उसके पीछे जाता है। और तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। जो खोई हुई भेड़ थी उसको अगर वापस वो पा लेता है तो उसके लिए आनंद मनाता है, वो है चरवाहा। लेकिन आज सिर्फ हमने बात करी है भेड़ों की, खोई हुई भेड़। पिछले दिनों में एक एपिसोड में आपको मैंने बताया था कि एक मनुष्य की 100 भेड़े थी और वो खो गई थी और उसका चरवाहा उसे ढूंढ के वापस लेकर आया। वो जो चोटिल हो गई थी, वो जख्मी हो गई थी और उसे वापस लाया। और जब लाया और आने के बाद जब उसे पा लिया तो बड़ा आनंद मनाया। इसी प्रकार से एक पापी जब मन फिराकर स्वर्ग राज्य में दाखिल होता है, परमेश्वर के राज्य में दाखिल होता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। मेरे अजीजों, भेड़ जो स्वभाव से अपने चरवाहे के पीछे जाती है। आज शाम आप अपने आप को जांचें, क्या भेड़ हैं या बकरी का स्वभाव रखने वाले हैं। यदि आप भेड़ हैं तो मती का 25 अध्याय 31 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो भेड़ों के लिए जगह तैयार की है उसके आप हकदार होंगे। लेकिन अगर आप बकरी का स्वभाव रखने वाले हैं तो मती 25:41 के अनुसार आप अनंत काल के आग में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ आगे देखते हैं, चरवाहे का एक स्वभाव होता है कि वो चरवाहों से ढूंढने जाता है। लेकिन चरवाहे के स्वभाव के बारे में प्रभु ने अगर जिंदगी दी तो हम कल बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, सुने गए वचन के आगे हम अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि आज हम इस वचन से भेड़ के स्वभाव को समझ सकें। बकरी के स्वभाव को समझा प्रभु, हम में से हर एक जो सुनने वाला है वो भेड़ का स्वभाव रखने वाला और डेस्टिनेशन उसकी स्वर्ग हो जाए, अनंत जीवन का वो भागीदार हो जाए, इसके लिए मैं आपसे दुआ करता हूँ। हर एक सुनने वाला आज अपने जीवन में परिवर्तन लाए कि अगर उसके अंदर आज भी भेड़ का स्वभाव नहीं है तो वो भेड़ के स्वभाव को उत्पन्न करे। प्रभु से वर मांगे कि आज प्रभु मुझे ऐसा वर दे कि हम में से हर एक भेड़ का स्वभाव रखे, क्योंकि भेड़ ही अनंत काल के जीवन में जाएगी। जो चरवाहे की आवाज़ सुनती है, जो अपनी भेड़शाला में पड़ी रहती है, जो अपने चरवाहे के पीछे चलती है, प्रभु ऐसा स्वभाव हम में से हर एक को दे। हम घटे और तू बढ़े, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। COVID-19 से अब तक तूने बचाया प्रभु, आगे भी बचाई है। आज जो विषम परिस्थितियों में फिर से भारत और सारा संसार आके खड़ा हुआ है, कोविड का जो प्रभु जी रिटर्न हो रहा है, यीशु मसीह के नाम में रुक जाए प्रभु। यदि आज हमारी कलीसिया में और सुनने वाले श्रोताओं में यदि कोई बीमार है, बंधन में है, यीशु मसीह के नाम से उनके बंधन खुल जाएं और वो आजाद हो जाएं। बीमार हैं तो चंगे हो जाएं प्रभु। अशांत मन है तो शांति प्रदान कर। जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे। उन सबके साथ वो सहायता मदद कर। सारी महिमा, सारा गौरव, सारी आदर तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रू की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप हमें प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से हमारे स्क्रीन पे जो नंबर हैं उनको नोट करें और उस पर प्रार्थना का लिए निवेदन दें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और यदि किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग आप हमें देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी स्क्रीन के ऊपर दी गई है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ डेली ब्रेड कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।